दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद आप सभी को पता होगा आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें आपको बता देना चाहता हूं, उससे पहले इंडिया टुडे कार्वी इंसाइट्स का एक बहुत बड़ा सर्वे आया है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की जीत होती है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ठीक है, तो आज मैं इसी के आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं हमारे देश में आने वाले चुनाव में ईवीएम का बैन करके, ईवीएम को बैन करने के बाद बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिए। दोस्तों आपको बता देते हैं कार्वी इनसाइट्स के सर्वे के हिसाब से जो ये आंकड़े हैं इसका सैंपल साइज पहले हम आपको बता देते हैं। जो सैंपल साइज है वो है 12,126 यानी कि 12,126 19 राज्यों के 97 सांसदीय क्षेत्रों में जाकर इन्होंने सर्वे किया है। अब हम आपको बताते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। दोस्तों पहले हम दल वाइज बात करें, एनडीए यूपीए अदर, तो दोस्तों सबसे पहले एनडीए की बात करें, एनडीए के खाते में अगर अभी चुनाव होता है तो कितने परसेंट वोट जाते हैं, तो इसमें दोस्तों 45% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के खाते में अगर अभी चुनाव होते हैं तो। वहीं अगर बात करें यूपीए के खाते में, यानी कि जो कांग्रेस के साथ अलायंस किए हुए दल है यूपीए, यूपीए के खाते में 28% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें अदर पार्टीज की, तो अदर पार्टीज के खाते में 27% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं कार्वी इनसाइट्स के सर्वे के हिसाब से। वहीं अगर हम बात करें सीटें किसके खाते में कितनी जाएंगी तो वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले हम पहले अलग अलग बात करेंगे कि अलग अलग पार्टीज को कितनी सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बीजेपी एनडीए के साथ अगर चुनाव नहीं लड़ती है, अलग अलग सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के, बीजेपी के खाते में यहां पर 308 सीटें जाने की संभावना है। दोस्तों 308 सीट अगर अभी चुनाव होता है तो बीजेपी के खाते में जाएंगी। वहीं कांग्रेस के खाते में 49 यानी कि 49 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं अगर अभी चुनाव होता है तो उसके हिसाब से। वहीं अगर अदर पार्टीज की बात करें तो अदर पार्टीज के खाते में 186 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं कार्वी इनसाइट्स के सर्वे के हिसाब से। वहीं अगर बात करें दल वाइज यानी कि एनडीए यूपीए वर्सेस अदर्स, यानी कि इन सभी दलों के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं सबसे पहले एनडीए के खाते में 357 सीट जाती हुई नजर आ रही, यानी कि लोकसभा का जो आंकड़ा है वही बराबर अभी भी दिखाई दे रहा है एनडीए के पास। वहीं यूपीए की बात करें तो यूपीए के पास भी 92 यानी कि लोकसभा वाला आंकड़ा अभी भी उसी के पास है। वहीं अदर पार्टीज की बात करें तो अदर पार्टीज के पास 94 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं कार्वी इनसाइट्स के सर्वे के हिसाब से। दोस्तों अगर आपको लगता है ये सर्वे सही है या फिर गलत है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।